लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स. हमें कैलकुलेट करना है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड. कार चूंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो डेटा कैसे फॉर्म करोगे आप लोग? कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. और हमें दिया हुआ है डिस्टेंस जिसने कवर किया फिफ्थ सेकेंड में, और दैट इज इक्वल टू 36 मीटर्स. अपने फिफ्थ सेकेंड के दौरान जो इसने कवर किया. एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है और हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है. मूविंग टूवर्ड्स सॉल्यूशन, दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना था. डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होती है? एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है. S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब चूंकि हमें सिर्फ टाइम दिया हुआ है फिफ्थ सेकेंड, सो जो डिस्टेंस कवर करेगा फिफ्थ सेकेंड में, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो इंटू टाइम प्लस 1/2. एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करनी है और फिफ्थ सेकेंड है इसलिए टाइम क्या होगा? 5 सेकेंड्स. S 5 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2. A 5 5 is 25, 2 1 is 2 and 2 12.5 is 25, so S5 is equal to 12.5 A. Now अगर फिफ्थ सेकेंड में ये डिस्टेंस इसने कवर किया है तो फोर्थ सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सेम फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब चूंकि फोर्थ सेकेंड की बात हो रही है, ये पूरा फ्रैक्शन जो है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2. एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, फोर्थ सेकेंड में की बात हो रही है तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड्स. सो एस 4 इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू 4 4 जो क्या हो जाएगा? 16. कैंसिलेशन करेंगे 2 1 is 2, 2 8 is 16, सो एस 4 इज इक्वल टू 8 ए. दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक S4 5 की और एक S4. इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 12.5 A माइनस 8 A. जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया था ना फिफ्थ सेकेंड में, वो किसके इक्वल होगा? S5 माइनस S4, और वो हमें दिया हुआ था न्यूमेरिकल में, दैट इज इक्वल टू 36. यहाँ पर हम 36 लगाएंगे. A को हम कॉमन ले लेते हैं, 12.5 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे वी विल गेट 4.5. अब चूंकि हमें सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, सो एक्सेलरेशन इज विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4.5. ये जो 4.5 A से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर ले जाके 36 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 8 meters per second square. एक्सेलरेशन आ गई ना, अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके टोटल डिस्टेंस कवर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? एस वॉज इक्वल टू 12.5 A. A की वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज इक्वल टू 8. सो टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया इन फिफ्थ सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर.